अब मैं गया उनसे मिला, उनको नमस्कार किया मैंने, और चिकित्सक उनको देख रहे हैं लगातार, पूरा अस्पताल प्रबंधन जो भी बेहतर व्यवस्था है वो सब कुछ कर रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्वस्थ होने की कामना बिहार के हर लोग कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उनका विरोधी हो या फिर कोई उनका चाहने वाला हो, हर कोई आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर के चिंता में है। आपको बता दें कि बीते सोमवार की शाम जब लालू प्रसाद यादव गिर गए थे तो उनका दाहिना कंधा फ्रैक्चर हुआ था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद खबर आई थी कि उनकी स्थिति, उनकी जो हालत है यानी कि तबीयत है, बिगड़ गई है, जिसके बाद से उन्हें पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, वहाँ पर वो इलाज कर रहे हैं। तमाम लोग उनको फ़ोन करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। हालांकि तेजस्वी यादव ने बीते दिनों एक वीडियो जारी किया था और कहा था कि आप लोग घर पर रह के लालू प्रसाद यादव जी के लिए दुआएं मांगिए, और लगातार लोग उनका हालचाल जान रहे हैं। तमाम सत्ता पक्ष के लेकर के विपक्ष के तमाम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। सुबह ही बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन मिलने गए थे और उसके बाद तमाम लोग उनसे मिल रहे हैं, फ़ोन पे बातें हो रही हैं। और इसी बीच लालू प्रसाद यादव के से मिलने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे वो पहुंचे हुए हैं, और पारस अस्पताल के बाहर में जब वो मिल करके लालू प्रसाद यादव से बाहर लौट रहे हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं मंगल पांडे, चिकित्सकों से बातचीत हुई और डॉक्टरों का कहना है कि लालू जी का स्वास्थ्य स्टेबल है। पहले से उन्हें कई सारी बीमारियां हैं, किडनी खराब है और भी बहुत कुछ है, तो वो तो सारा जो चीज़ है चिकित्सक देख रहे हैं और चिकित्सकों ने कहा है कि वो स्टेबल हैं। परिवार के लोग और अस्पताल प्रबंधन सब एक दूसरे के लगातार संपर्क में है और जो भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनको देनी है वो उन सारे चीज़ों की बात की जा रही है, और आवश्यकता अनुसार जैसा होगा परिवार और अस्पताल प्रबंधन तय करेंगे। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए उनको दिल्ली भी ले जाया जा सकता है। परिवार वालों से मुलाकात हुई, तेजस्वी से मुलाकात, तेजस्वी जी थे अभी साथ में, बात हुई, सभी परिवार के लोगों से भेंट हुआ। अब मैं गया उनसे मिला, उनको नमस्कार किया मैंने, और चिकित्सक उनको देख रहे हैं लगातार, पूरा अस्पताल प्रबंधन जो भी बेहतर व्यवस्था है वो सब कुछ कर रहा है। तो आपने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को सुना, उन्हें कहा कि लालू प्रसाद यादव अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं, उनसे मुलाकातें हुई हैं, हमारी बातचीत भी हुई है, हमने जाके उन्हें प्रणाम भी किया है और तेजस्वी यादव से भी बातचीत हुई है, वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि लालू प्रसाद यादव स्वस्थ हो जाए और तेजस्वी उनका ख्याल रख रहे हैं, और उनके बेहतर इलाज के लिए जो चर्चाएं चल रही हैं दिल्ली ले जाने के लिए वो दिल्ली ले जाई जाएंगी, और बिहार के जितने सारे डॉक्टर हैं वो उनके इलाज के लिए उचित व्यवस्थाएँ जो हैं वो चल रही हैं। तो आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का से मिलने के लिए तमाम दलों के नेता उनके पारस अस्पताल में पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव ने वीडियो जारी किया था और कहा था कि वह घर से ही आप सभी दुआएं मांगिए। तेजस्वी यादव लगातार लोगों से दुआओं की अपील कर रहे हैं और लगातार जो लालू प्रसाद यादव के चाहने वाले हैं वो उनके दुआओं के लिए लगातार पूजा पाठ पूजा अर्चना करते हुए दिख रहे हैं। बहरहाल आप क्या राय है इस वीडियो में जरूर दीजिएगा, आप जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। धन्यवाद सभी दर्शकों।